शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। चंद्र भस्त्रिका में आपने दाएं क्षेत्र को दबाया और बाई नाक से पुनः लोहार की धोंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। जितना गहरा फोर्स आपके श्वास में होगा उतना आपके कफ के दोष दूर होंगे। कफ नाशनी विशोषणी भस्त्रा बिल्लोह कारस्य जालंधर बंद एन चिन्ह को अपनी कॉलर बोन में लॉक करना। इस क्रिया से आपके थायराइड के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। T3 T4 और TSH आपका संतुलित होगा। अधिकतम श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास करिए। भस्त्रा बिल्लोह कारस्य रेच पूरो ससंभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ नाशनी विशोषणी। यह आपके अंदर के तमाम कफ को जलाने में खत्म करने में समर्थ है। पद्मासन में बैठे रहें। चिन मुद्रा प्रत्येक प्राणायाम करने के बाद आपको शांत बैठना है। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको दाईं और बाईं नाक से लोहार के धोंकनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। दाएं से बायां, बाएं से दाया, दाएं से बायां, बाएं से दाया। इस प्रकार लगातार आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास को लेना, छोड़ना, यह क्रिया भी आपके अंदर के तमाम कफ के दोष को खत्म करने में समर्थ है। और उसके बाद गहरी श्वास अंदर लेकर जालंधर बंद लगाना है, यानी ठुड्डी को कॉलर बोन में लॉक कर देना है। यह क्रिया भी आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए, मधुमेह के लिए, दमा के मरीजों के लिए, अपच को दूर करने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुभकारी है, लाभकारी है। क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझदारी से करें और दूसरी नाक से श्वास को बाहर निकालकर सामान्य हो जाएं। पद्मासन की स्थिति में ही आप प्रत्येक प्राणायाम शुरू करें और इसी में ही आपको बंद करना है। दो प्राणायाम के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी लोहार की धोंकनी के समान आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। चिन्ह मुद्रा लगी हुई, इसमें आपको श्वास को लगातार लेना है, छोड़ना है। लगातार आप श्वास को घेरी लें और फेंकें। जब धोंकनी के समान लगातार श्वास चलती है तो त्वचा आपकी निखरती है।
बंद फेफड़े होते हैं, यदि उन फेफड़े का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो फेफड़े आपके सुप्त हो जाते हैं, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। और गहरी सांस लेकर अंतःकुंभक लगाकर आप जलंधर बंद करें। जब कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम करते ही करते आपके फेफड़े जो बंद रहते हैं वे खुलना शुरू हो जाते हैं। अधिकतम आप जलंधर बंद का प्रयोग करिए तो फेफड़े आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप गर्दन को वापस लाएं। यदि आपको सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस का प्रॉब्लम है तो सामने जलंधर बंद ना लगाएं। उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम में आपको घुराटों के समान गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है, यानी थ्रोट मसल को थोड़ा टाइट करना है। चिन्मुद्रा और घुराटों के समान आप गहरी गहरी सांस लें और सांस को वापस बाहर निकालें। शीतली प्राणायाम। जिह्वा को दांत के बीच में दबाएं। जिह्वा को दांत के बीच में दबाकर गहरी सांस लें और नाक से गहरी सांस को वापस बाहर निकाल दें। फिर जीभ को दांत के बीच में दबाकर गहरी सांस लें और नाक से बाहर निकाल दें। शीतकारी प्राणायाम। चिन्मुद्रा, जीभ को गोल करके आप गहरी सांस लें और सांस को बाहर निकाल दें। उसके बाद आपको कुंभक करते हुए बंद लगाना है, जलंधर बंद। शीतकारी प्राणायाम करने से आपकी त्वचा निखरती है, गर्मी की मात्रा कम होती है। यदि आप गर्मी के रोग से पीड़ित हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, उस समय आप शीतकारी प्राणायाम का प्रयोग करिए और कुंभक लगाइए। निश्चित आपकी गर्माहट में कमी होगी, तलवे में जो पसीना आता है वह भी आपका कम होगा, चक्कर नहीं आएंगे, घबराहट आपको नहीं होगी। इन तमाम शरीर और मानसिक परेशानियां को दूर करने के लिए शीतकारी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। आप पूरी श्वास को पीकर जलंधर बंद लगाएं, यानी चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। प्रत्येक प्राणायाम के बाद प्रयास करें कुंभक आपका लगना चाहिए।
दोस्त थे, बिल्कुल शांत बैठे हैं। उसके बाद गहरी सांसें चलने दीजिए, मन को श्वास पर केंद्रित करें। अंगूठे से आप कान बंद करिए और पॉइंट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से आप नेत्र बंद करें। गहरी श्वास लें और भंवर के समान गुंजन करना है। यह क्रिया मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, स्मृति को तेज करने के लिए, त्वचा को निखारने के लिए, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, यदि कान में आपको बहरापन आ रहा है उस बहरेपन को दूर करने के लिए यह क्रियाएं बहुत लाभकारी हैं। इसका अभ्यास करते करते आपकी कान की क्षमताएं बढ़ेंगी, बहुत दूर का आप सुन सकते हैं। कभी कभी बीच में आपको झटके भी नींद के आते हैं, यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और धीरे से आप हाथ को वापस लाकर पुनः पद्मासन में ध्यान में बैठ जाएं। इस क्रिया के बाद आपको ध्यान नियमित करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में ध्यान गहरा होता है। गुरुमध्य के बीच में आप ध्यान को केंद्रित करें। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की संपूर्ण आकृति गहरे आराम को प्राप्त है। ध्यान एक सकारात्मक सोच है। मूर्छा प्राणायाम, केवल मूर्छा यानी चिन्ह मुद्रा में बैठकर नाक से गहरी श्वास को लेना है और मुख से हा करते श्वास को वापस निकालना है। इस क्रिया को जब आप 50 से लेकर 60 बार तक करेंगे तो आप गहरे ध्यान को प्राप्त होंगे। दिमाग के तमाम तनाव शून्य हो जाएंगे। इस क्रिया में नाक से गहरी श्वास लेना है और मुख से श्वास को बाहर निकाल देना हा करते हुए, ओंठ उसके बाद बंद करना है। नाक से गहरी श्वास लेना है, इस प्रकार 40 बार तक मूर्छा प्राणायाम का प्रयोग करें। मस्तिष्क बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। विचारों की भागदौड़ी आपकी खत्म हो जाएगी। ध्यान एक सकारात्मक सोच है। मूर्छा प्राणायाम करते ही करते मस्तिष्क बिल्कुल शून्य, तनाव रहित, कानों की शक्ति आपकी बढ़ेगी, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, सर्दी खांसी जैसे रोग आपके शीघ्र दूर होते हैं, फेफड़ा की क्षमताएं बढ़ती हैं, त्वचा आपकी निखरती है, तनावग्रस्त जीवन आपका शांत होता है। इसके बाद आप गहरे ध्यान को चले जाएं।
तो एक आनंदमय और खुशहाली का भरपूर जीवन जीते हैं प्राणायाम के साथ। तो आइए प्राणायाम करें, अपने जीवन को और समूचे विश्व को एक बेहतर जगह बनाएं हम सब के लिए।